डाभा सीमर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उत्तर प्रदेश की वॉलीबॉल टीम का चल रहे कैंप का आज समापन हुआ। कैंप का समापन अंबेडकर नगर अयोध्या क्षेत्र के पूर्व MLC मनोज सिंह गुड्डू ने किया। मनोज सिंह गुड्डू ने जयपुर में आयोजित होने वाली इंडियन वॉलीबॉल लीग में हिस्सा लेने वाली उत्तर प्रदेश की 23 सदस्यीय टीम का उत्साहवर्धन कर टीम के कोच अनूप सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर को किट बांट कर व अंगवस्त्र भेंट कर जयपुर में आयोजित होने वाली इंडियन वॉलीबॉल लीग में विजय प्राप्त करने हेतु शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व MLC मनोज सिंह गुड्डू के साथ अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज भी शामिल, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम को अग्रिम बधाई व विजय की शुभकामनाएं दी। टीम का उत्साहवर्धन करते हुए पूर्व MLC मनोज सिंह गुड्डू उत्तर प्रदेश की टीम को संबोधित करते हुए वहां स्वयं वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी रह चुके खिलाड़ियों की भावनाओं को खेल के समय उनकी कमियों को अच्छे से समझते, साथ ही उन्होंने टीम को संबोधित करते हुए लीग मैच में निडरता से खेलकर विजय हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस टीम को उन्होंने परचेज किया है और ये टीम इस टीम को हम लोगों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि ये उत्तर प्रदेश की टीम है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है, इसकी भी मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। क्या अपेक्षा करते हैं टीम से? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की टीम जाएगी वहां पे और विनर होके आएगी। गोल्डन ईगल विनर होके ही आएगी, यूपी गोल्डन ईगल विनर होके ही आएगी, आप देख लीजिए।